अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज आ गई हूँ और एक न्यू रेसिपी लेके। और आज हम लोग बनाना सीखेंगे मक्की के पराठा। मक्की के पराठे के लिए हम लोगों को लगेगा गेहूं का आटा, और मैंने गेहूं का आटा लिया है 3 चम्मच। और गेहूं के आटे के बाद हम लोगों को और भी लेना पड़ेगा यहाँ पे मैदा। मैदा मैं ले रही हूँ 2 चम्मच। मैदा हम लोग कम डालेंगे, गेहूं का आटा हम लोग ज़्यादा डालेंगे। हम चाहे तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी ये पराठा बना सकते हैं। और देखिए, मैंने गेहूं का आटा और मैदे को मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे पानी आटे को गूंदने के लिए। और मैं छोटा वाला चम्मच से पहले इसको मिक्स कर रही हूँ आटे को, और फिर हम हाथ से गूंदेंगे इसको। देखिए, मैं गूंद रही हूँ, मैं पूरा वाला पोर्शन सूट नहीं कर पाई तो मैं गूंद रही हूँ। और देखिए, मेरा आटा गूंदना हो गया। इसको हम लोग 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और ये मैंने ले लिया है मक्की, मतलब कॉर्न को मैंने भिगा के रखा था, और बाद में फिर मैंने प्रेशर कुकर में सीटी मार लिया था 4 सीटी, और उसके बाद वो सीज गया था, और उसको निकाल के मैंने ग्राइंडर में इसे क्रश कर लिया है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, कटे हुए मिर्च, कटे हुए गार्लिक मतलब लहसुन, और कटे हुए प्याज मतलब चॉप किए हुए, और फिर कटा हुआ हरा धनिया। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम लोग मिक्स करेंगे। आपके पास अगर चाट मसाला अवेलेबल हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं, उससे और भी टेस्ट अच्छा आता है, पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं डाला है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे चॉप किए हुए टोमेटो। और देखिए, फिर मैंने रोटी को बेल लिया था। सॉरी, अभी फिर से मेरे से मिस्टेक हो गई है, मैंने वो वाला पोर्शन सूट ही नहीं कर पाई, और जब मेरा रोटी बेलना हो गया तब मुझे याद आया, तो मैं तब सूट की हूँ, और फिर मेरा रोटी ख़राब हो गया था। फिर मैंने दोबारा से रोटी बेला, और फिर मैं वो वाला पोर्शन सूट नहीं कर पाई। तो देखिए, रोटी बेलना तो आप लोग को शायद पता ही होगा सबको, रोटी गूंद के उसके बाद बेल लीजिएगा, और फिर हम लोग को रोटी का साइड सब काट लेना है, और फिर हम बीच में से कट देंगे। और फिर हमने जो वो बनाया था पूर, उसको हम उस रोटी में डालेंगे, और फिर हम कट की हुई रोटी को पलट देंगे, और हम हल्का सा हाथ में पानी लेंगे, और साइड से हम बंद कर देंगे। अगर हम साइड से बंद नहीं करेंगे तो वो जो अंदर जो पूर भरा हुआ है, जो मतलब हमने बनाया था, वो निकल जाएगा। फिर हम ऐसे हाथ से दबा देंगे ताकि वो पराठे के जैसा एकदम से जो अंदर का जो भी मसाले हैं वो अच्छे से बैठ जाए, और एकदम से पराठे का शेप में आ जाए। देखिए, मेरा एक हो गया है। फिर हम नेक्स्ट वाले को भी सेम इसी तरीके से करेंगे। फिर उसी तरीके से हम लोग को जो साइड है उसको बंद करना है। कहीं से भी अगर साइड से छूट जाए आप देख लीजिएगा, और फिर उसको अच्छे से बंद कर दीजिएगा। देखिए, मेरा ये वाला भी बन गया है। और मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाने के लिए फिर मैं और एक रोटी को
बेला और फिर इसको कट कर रही हूँ। आप चाहे तो आप अलग शेप भी दे सकते हैं, ट्रायंगल भी दे सकते हैं, पर मैंने ये वाला शेप दे, मुझे अच्छा लगा कि मैं ये वाला शेप ट्राई करूं न्यू, तो मैंने ये वाला ट्राई किया है। इसी तरह सेम आपको जो हमने बनाया है वो कॉर्न का, उसको आपको भरना है उस पूर को, और फिर इसमें डाल के फिर इसी तरह बंद कर देना है, और पानी से हम लोगों को साइड से आपको अच्छे से बंद करना है, नहीं तो साइड से निकल जाएगा। और छोटे मोटे मिस्टेक को मेरे वीडियो का इग्नोर कीजिएगा, मेरे से मिस्टेक हो ही जाती है। अब भी ट्राई कीजिएगा, और आप लोगों को तो पता ही है कौन मतलब मक्की कितनी हेल्दी है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बच्चे भी इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप तीखा कम दीजिएगा। अगर आपको बच्चे को बना के देना है टिफ़िन में स्कूल के लिए, तो आप तीखा कम डालिएगा, और अगर किसी को शुगर पसंद है तो आप हल्का सा शुगर भी डाल सकते हैं। और फिर अब हम इसको फ्राई करेंगे, और देखिए मैंने पैन ले लिया है, कढ़ाई को ले लिया है, और मेरा कढ़ाई गर्म हो गया था, और मैं उसमें देसी घी डाल रही हूँ, और फिर उस देसी घी को मैं चारों तरफ से फैला रही हूँ, और फिर हम इसमें डालेंगे हमारे पराठे बनाए हैं जो हमने, उसको हम अब डाल देंगे। और फिर हम इसको ऊपर से हम लोग इसमें घी डालेंगे, और जब उधर से हो जाएगा हम पलट देंगे इसको। हम लोगों को दोनों तरफ से अच्छे से करना है, अच्छे से वो प्रॉपर फ्राई हो। देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना मेरा पराठा, आप भी ट्राई कीजिएगा। और मेरा हो गया है, फिर मैं नेक्स्ट को फ्राई कर रही हूँ, और इस बार मैं तीन डाल रही हूँ, मेरे पास मुझे लगा कि स्पेस है मेरे कढ़ाई में, तो फिर मैं तीन डाल रही थी, और ऊपर से फिर मैं सेम घी डाल रही थी। और आप मेरे रेसिपी को घर पे ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। एक तरफ से हो गया है, फिर हम दूसरे तरफ से पलट रहे हैं, और मेरे पास और थोड़ा कढ़ाई में स्पेस बाकी था, तो बाद में मैंने और एक डाल दिया था पराठा उसमें। मेरा पराठा हो गया है, देखिए कितना यम्मी लग रहा है। हम लोगों ने सॉस और हरी मिर्च और धनिया के चटनी के साथ खाए थे, और आप चाहे तो सॉस और हरी मिर्च के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी खा सकते हैं। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय फ्रेंड्स।